उस मुस्लिम शख्स को एक सपा नेता अपने घर ले जाता है और उसको ये कहने पर मजबूर कराता है कि तुम्हें ये कहना है कि जय श्री राम का नारा मैंने नहीं लगाया, इसलिए मेरे साथ ऐसी हरकत की गई। तस्वीर भी ज़रा देख लीजिए, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये सपा का नेता है, क्योंकि इसके पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है और इस शख्स ने बुजुर्ग से क्या कहलवाया वो आप इस वीडियो में देखिए। बताइए क्या नाम है आपका? शोभी अब्दुल समद। तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया बैठे पे, मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठा के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए, बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूँ ढक दिया मेरे यूँ, और एक इधर से पढ़ लिया एक इधर से पढ़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाके कमरे में बंद कर दिया मुझे, और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, सिया जय सिया राम जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद तो मार लगा गए और मैं इतनी मार लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिए और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया एक इधर से हाथ पकड़ ले और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी थी कि आज तुझे नहीं छोड़ में, हमने बहुत आदमी और मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे, और मुझे मतलब 3 बजे से मारते मारते 7 बजा लिए और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता उन्होंने चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए चुप हो, और मैं अल्लाह कह गया तो कह गए कि तू मंत्र पढ़ रहा है हमारे पर मंत्र पढ़ रहा है, मैं मंत्र ना पढ़ रहा मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ, बोले अल्लाह को याद ना कर जय श्री राम के और राम राम के, अब मुझे जबरदस्ती एक दूसरे की और वीडियो बनाते रहे वो मेरे सामने और अपने वो दिखाते रहे मुझे कि ऐसा करेंगे हम तो मुसलमानों के साथ में मारेंगे पीटेंगे, और मेरी इतनी लंबी ढाई सी चारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने बदमाशों ने, और 5 आदमी थे और उन्होंने अंटरों से मार लगाई और मतलब लठ लठ था लठ मारे, मैं रो गया चिर गया तो मुझे मतलब ये बहुत मारा इतना मारा कि मैं चले। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।